गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस को, और ये हमारा करंट अफेयर का पार्ट 5 है, जिसमें हमने फिर से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आपके लिए आए हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली देखते हुए चले। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है तो क्या है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है वो है 136वां, और 136वां के बाद देखिए ऑप्शन नंबर ई में, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगर यही क्वेश्चन होता कि 2000 अगर आता 21, अगर पूछा 2021 में स्थान अगर ये आया होता, 2021 में स्थान पूछा होता, तो याद रखिएगा 2021 में स्थान जो था वो था 139वां, इतना याद रखिएगा। तो अगर आता है 2021 में क्या है तो 139वां, और अगर पूछता है 2022 में क्या है तो क्या बोलना है 136वां। फिर देखिए आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में इनमें से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट से अवार्ड किया गया वो है इरफान खान, और इरफान खान की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहां पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड में किस नदी में बाढ़ के कारण ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गया। तो फिर से पढ़ दे रहे हैं सेंटेंस क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तराखंड में किस नदी में बाढ़ के कारण ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो गया। तो वो नदी कौन सी है, तो जानते रहिएगा वो जो नदी है वो है धौली गंगा, और धौली गंगा देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में जिस नदी में बाढ़ आने के कारण ऋषि गंगा पर्वत जो पावर प्रोजेक्ट जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो कौन सी नदी है, धौली गंगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य में माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो जानते रहिएगा निर्मला सीतारमण जी ने जिस राज्य में माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना किससे संबंधित है जिसे हरियाणा सरकार ने शुरू किया। तो याद रखिएगा मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है जिस चीज से संबंधित जिसको हरियाणा सरकार ने शुरू किया है वो है महिलाओं को उद्यमिता के लिए सहायता देना, और महिलाओं की उद्यमिता के लिए सहायता देने के बाद देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में आया है, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है आपको कि मातृशक्ति उद्यमिता का योजना जो संबंधित है वह महिलाओं के उद्यमिता के लिए सहायता देना से संबंधित, जो शुरू किसने किया है, हरियाणा सरकार ने, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे यहां सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा जिस राज्य ने हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा सदस्य कौन बन गया है। तो जानते रहिएगा न्यू 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा सदस्य जो बन गया है वो बन गया है मिश्र, और मिश्र दिखाया है ऑप्शन नंबर यहां सी में, तो हमारे यहां पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा सदस्य जो बना है वो कौन है, मिश्र। फिर देखिए आ जाएंगे यहां पे एट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, 2021 में इसकी थीम क्या थी। तो जानते रहेगा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है उसकी 2021 में जो थीम थी वो थी गोल्डन विक्ट्री ईयर, द गोल्डन विक्ट्री ईयर आया है देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 4 दिसंबर को, पहली चीज तो ये याद रखना है कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 4 नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 4 दिसंबर को। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि 4 दिसंबर को जो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है जो कि 2021 में मनाया गया उसकी थीम क्या है, तो थीम आपका क्या है, गोल्डन विक्ट्री ईयर। फिर देखिए आ जाएंगे नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो
जानते रहिएगा, मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है उसका नाम बदल कर रखा गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, और राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 10th नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष किस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो जानते रहिएगा भारत में जिस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है वो दिन है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर दिखाया है यहाँ पे आया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हमारा 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा 2021 में फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की गई। तो याद रखिएगा जिस राज्य सरकार द्वारा 2021 में फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की गई है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दिखाया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 नवंबर 2021 को किसने 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो याद रखिएगा 30 नवंबर 2021 को जिन्होंने 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार, और एडमिरल आर हरि कुमार दिखे हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 13th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रीनिवास रामानुज की जयंती के रूप में राष्ट्रीय गणित दिवस कब घोषित किया गया। तो याद रखिएगा श्रीनिवास रामानुज की जयंती के रूप में राष्ट्रीय गणित दिवस जो घोषित किया गया वो किया गया है 2012 को, और 2012 दिखाया है ऑप्शन नंबर दिखाया है यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 14th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 जिस राज्य में आयोजित किया गया वो राज्य है मेघालय, और मेघालय दिखाया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिपिन रावत जिनका 2021 में निधन हो गया, वो कह रहे हैं कि वो किस वर्ष उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। तो जानते रहिएगा बिपिन रावत जी जिनका 2021 में निधन हो गया था, आपको पता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो कह रहे हैं कि उनका जो नियुक्ति जो हुई थी डिफेंस के जो आया था चीफ डिफेंस के रूप में तो वो कब नियुक्ति हुई थी। जानते रहिएगा उनका जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 2019 में, और इनका कार्यकाल जो था 2019 से लेकर 2021 तक था, ये भी आपको याद रखना है। फिर आ जाएंगे यहाँ पे 16th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे डेसमंड टूटू किस देश से संबंधित हैं जिन्हें भारत ने 2007 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा 2007 में गांधी शांति जिनको मिला था जिनका नाम क्या है डेसमंड टूटू, ये संबंधित हैं दक्षिण अफ्रीका से, और दक्षिण अफ्रीका दिखाया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आज 17th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। जो जानते हैं कि बहुत ही भयानक घटना थी, तो जानते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, और 2 दिसंबर 1984 के बाद देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएंगे 18th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर समझौता किया गया। तो जानते रहिएगा भारत और जिस देश के बीच में उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर समझौता किया गया वो देश है रशिया, और रूस दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 19th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान 2021 में बैलोन डी ओल पुरस्कार 2021 किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी को दिया गया। तो जानते हैं कि 2021 में बैलोन डी ओल पुरस्कार 2021 जिस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी को दिया गया वो है लियानेल मेस्की, और दिखे आए हैं लियानेल मेस्की आए हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि 2021 में बैलोन डी ओल पुरस्कार 2021 में जिस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी को दिया गया वो कौन है लियानेल मेस्सी। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 20th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जानते रहिएगा डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एवं गवर्नेंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एम वेंकैया नायडू, और एम वेंकैया नायडू दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एम वेंकैया नायडू ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। फिर देखिए आ जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा 2021 में जिन्हें 56वां
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है नीलमणि कूकन। और देखिए नीलमणि फूकन जो है, नीलमणि फूकन देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है नीलमणि फूकन, इसलिए हम यहाँ पे सी नंबर को क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है वर्तमान में 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्हें दिया गया उनका नाम क्या है, नीलमणि फूकन। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो जानते रहिएगा हाल ही में जारी जो की गई ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में जो देश जो सबसे टॉप पे रहा है, जो पहले स्थान पे रहा है वो है अमेरिका। और अमेरिका देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और जानते रहिएगा अगर यही क्वेश्चन होता है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो जानते रहिएगा इस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है आपका 66वां। इतना याद रखिए 66वां जो है भारत का स्थान है और अमेरिका का पहला स्थान है। फिर देखिए आ जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत उत्सव का 2021 कौन सा संस्करण ग्वालियर में आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा तानसेन जो आया था मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत उत्सव का 2021 में जो संस्करण ग्वालियर में आयोजित किया है वो है 97वां संस्करण। और 97वां देखिए आया है, देखिए 97वां आ गया है, 97 आया है यहाँ पे, तो हमारा 97वां जो है संस्करण आयोजित किया गया था, इसलिए हम यहाँ पे बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया है। तो याद रखिएगा हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया है वो राज्य है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश ने जो है इस एक्ट को पास किया है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किस देश द्वारा चक्रवाती तूफान जवाद का नामकरण किया गया। तो जानते रहिएगा जिस चक्रवात को नाम जिस जवाद नाम जिस चक्रवात को दिया गया जिस देश के द्वारा वो देश है सऊदी अरब। और सऊदी अरब देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है जिस देश के द्वारा चक्रवाती तूफान जवाद नामकरण दिया गया है वो है सऊदी अरब। फिर देखिए आ जाएंगे हम यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया। तो जानते रहिएगा मध्य प्रदेश के जिस उद्यान में पहली बार इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो जानते रहिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा सेमेरू जो ज्वालामुखी है वो स्थित है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया, यह सेतु किस नदी पर बनाया गया। तो याद रखिएगा जो हमारे मोदी जी जो हैं इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का जो उद्घाटन किया, यह सेतु जो है ना याद रखिएगा है फेनी नदी पर। फेनी नदी लिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। तो जानते रहेगा ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत जो पदक तालिका में जो स्थान पर रहा है वो रहा है पहले स्थान पर। पहले स्थान लिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच 2021 में मैत्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा भारत और जिस देश के बीच में 2021 में मैत्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है वो देश है बांग्लादेश। और बांग्लादेश देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2021 को किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि दिसंबर 2021 को जिस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है वो देश है भूटान देश। और भूटान देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या कह रहा है कि 19 दिसंबर 2021 को ग्रैबियल बोरिक
को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 2021 को ग्रैबियल बोरिक को जिस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है वो देश है चिली। चिली देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे 33 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में पेटा ने किसे अपना इंडियन पर्सनल ऑफ द ईयर, इंडियन पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। तो याद रखिएगा हाल ही में पेटा ने जिसे अपना इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है वो है आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर, देखिए आया है यहाँ पे बी में, तो हम यहाँ पे बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि राशन आपके द्वार योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जिसका उद्देश्य लोगों को राशन मुहैया कराना है। तो जानते रहिएगा राशन आपके द्वार जो योजना है, राशन आपके द्वारा जो योजना है इसको जो चलाई गई है, ये जानते रहिएगा ये चलाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा 10 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा दिल्ली सरकार द्वारा 10 लाख छात्रों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए जिस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है वो है देश के मेंटर कार्यक्रम। और देश के मेंटर कार्यक्रम देखिए ये है ऑप्शन नंबर सी में आया है, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ योजना की पहल की गई। तो जानते रहेगा जिस राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ योजना की पहल की गई है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कामधेनु दीपावली 2021 अभियान शुरू किया गया था इसका उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा कामधेनु दीपावली 2021 अभियान जो शुरू किया गया था इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था गोबर पर आधारित दीपक लैंप और मूर्तियों को बढ़ावा देना। ये जानते रहिए ये इसका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है इसका उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण स्थानों पर जरूरत के भवनों का निर्माण कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण स्थानों पर जरूरत के भवनों का निर्माण कराना या करना। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा किस योजना के तहत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जानते रहिएगा पंजाब सरकार के द्वारा जिस योजना के तहत निशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा वो है परीक्षण का मेरा घर मेरा नाम योजना। और मेरा घर मेरा नाम सॉरी यहां मेरा काम और मेरा मान योजना है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इतना याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि जो ये योजना चलाई जा रही है पंजाब सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका नाम क्या है, वो ये है आपका मेरा काम मेरा मान योजना जो कि ऑप्शन नंबर डी में आया है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है। तो जानते रहिएगा जिस सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है वो है महाराष्ट्र सरकार। और महाराष्ट्र सरकार देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन वन बाय वन सारे क्लियर हो गए हैं। आज हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इसको बार बार देखें जब तक ये पूरी तरह से आपको लर्न ना हो जाए। तो मे भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।